अरे लालचंद, तू यहाँ? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैम मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस? बेटा बिजनेस तो वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ दिमाग होता है। मतलब मैम साहब? मतलब ये कि तुम जैसे लोगों का काम है झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना। ये बिजनेस वगैरह ना तुम जैसे लोगों का काम नहीं है और ना ही तुम्हारी बस की है। मैम साहब अगर हम मेहनत करें ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वाह बेटा, एक काम वाली का लड़का होकर तेरी इतनी तेज जबान चल रही है। तेरी माँ ने ना तेरी वजह से घर का काम छोड़ा है हमारे। जी मैम साहब, माँ की तबीयत खराब है इसलिए मैंने काम छोड़ने के लिए बोला और अपना बिजनेस शुरू किया। चुप कर, ये बिजनेस का आइडिया ना छोड़ दे तू और चुपचाप हमारे घर काम करने आ जा। और अपनी माँ को भी ले आना, अब हमारे घर पे हमें दो लोगों की जरूरत है काम के लिए। चुपचाप आ जा। सॉरी मैम, नहीं आ पाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से ऐसे बात कर रहा है, तेरी अकड़ ना मैं 2 मिनट में निकाल दूंगी, समझा? तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब। तो कैसा है अब ये बता, कल से काम पे आ रहा है कि नहीं? नहीं आ पाऊंगा मैम साहब। अच्छा ठीक है, नहीं आएगा ना तू तो कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि तेरा ये बिजनेस कब तक चलता है। तेरा ये बिजनेस ना बहुत जल्द बंद होने वाला है। और हाँ, फिर तू हमारे घर में रोते रोते भीख मांगेगा कि मुझे नौकरी पे रख लो और फिर मैं तुझे बताऊंगी। तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। अब चलो मम्मी। चल बेटा। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ, इनसे मिलो, हमारे शहर के सबसे बड़ी टी फैक्ट्री के मालिक। ये हमारे साथ काम करना चाहते हैं और आज से ये हमारे पार्टनर हैं। जाओ इनको हमारी फैक्ट्री दिखा दो। तू यहाँ? तुम पागल हो गई हो क्या? किस तरीके से बात कर रही हो तुम? हमारे पार्टनर है ये, सॉरी बोलो इनको। मैम वो क्या है ना, कुछ टाइम पहले इनकी मम्मी और ये हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करते थे। झाड़ू पोछा? जी मैम, ये सही कह रही हैं। मैं और मेरी माँ इनके यहाँ काम करते थे। मैं काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, लेकिन ये लोग हमेशा मुझे पढ़ते देख किसी न किसी काम में लगा देते थे, इसलिए मैंने इनके यहाँ काम करना छोड़ दिया। और मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, उसके बाद मैंने खुद का एक बिज़नेस शुरू किया। मेरी माँ का भी सपना था कि मेरा खुद का एक बिज़नेस हो, लेकिन इन्होंने मेरी दुकान पर भी आकर मेरी बहुत बेइज्जती की और दुकान हटाने की धमकी दी। मैंने इनसे कहा मैम कि इंसान मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और बहुत उल्टा सीधा सुनाया। मुझे ऐसा लगता है मैम, अगर मैं आपके साथ ये डील करूँगा तो मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा और शायद ये बार बार मुझे नीचा दिखाएंगे, इसलिए मैम ये बिज़नेस मैं आपके साथ नहीं कर सकता। और एक बात और, जब मैंने इनके यहाँ काम करना छोड़ा था तो 1 महीने पहले ही इन्हें नोटिस कर दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी बैलेंस सैलरी नहीं दी। मेरी माँ इनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, इसलिए मैम मैं ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं कर सकता आपके साथ, सॉरी मैम। ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? यस मैम, सच है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर पर काम करते हैं क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मैम है। तो जब इन्होंने तुमसे कहा कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तब तुमने इनको क्या बोला? कि इनका बिजनेस चलेगा ही नहीं और वापस इनको तुम्हारे पास काम मांगने आना पड़ेगा। लेकिन देखो आज इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि तुम्हारे सामने खड़े हैं और आपको इनसे काम मांगने की जरूरत है। अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करे ना तो उसको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। और आपको क्या लगता है कि आप ऐसे दूसरों की इंसल्ट करती हैं या मजाक बनाती तो क्या सामने वाले की इंसल्ट होती है? बिल्कुल नहीं, इसमें इंसल्ट आपकी होती है। आप ही दूसरों की बेइज्जती करती रहती है ना, और मुझे तो शर्म आती है कि आप जैसे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं। और याद करिए एक दिन आपने मुझे क्या बोला था कि आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, और अगर तब मैं आपको बोल देती कि आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, आपको कैसा लगता? बुरा लगता ना? हाँ मैम, बुरा तो लगता ही। इनको भी लगा दो। और मुझे एक बात बताओ, जो आपके घर पर काम करते हैं तो क्या उनको सैलरी कट करके देते हो आप, वो भी सिर्फ 2-4 हज़ार रुपए के लिए? आज देखो, आज उनके पास वो सारी चीजें हैं जो सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास वो एक चीज नहीं है जो इनके पास है, वो है संस्कार, जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं दिए। अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद आज तुम इतनी बदतमीज नहीं होती। लेकिन जो तुमने आज ये गलती करी है ना, इसकी सजा तुम्हें बिल्कुल मिलेगी, और वो सजा होगी तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट करके, और साथ ही में तुम्हें हमारी कंपनी से रेस्टिकेट किया जाएगा। नहीं नहीं मैम प्लीज, मुझे कंपनी से मत निकालिए। आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी इनके साथ किया मैम, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी।
सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, वरना मैं आपके साथ क्यों ही बदतमीजी करती। और मैं आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी तो ठीक है, लेकिन आज के बाद यह गलती किसी और के साथ मत करना। अगर आप किसी के हौसले को बढ़ा नहीं सकते तो उसे नीचा दिखाने का भी अधिकार नहीं है। और हमारी कंपनी से तो तुम्हें निकाला जाता ही, साथ ही में तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब ना मिले। अब जाइए यहाँ से, और आज के बाद ये गलती करने से पहले 100 बार सोचिएगा। गेट आउट। नहीं नहीं मैम, प्लीज मुझे मत निकालिए, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट आउट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो प्लीज कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में इक्वल है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े, सबका ध्यान रखें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि जो इस मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।